हनुमान जी को लंका भेजा उपचार वही कर सकता है।
नाथ हनुमान जी जाकर लंका से सुखेन बैद्य को ले आइए। धारी लाए गुरु दल में आए हैं। आपको मालूम है कि रावण और हमारे प्रभु श्री राम जी में युद्ध चल रहा है, तो रावण के पुत्र किया है जिससे इनके मूर्छा आ गई है। आप कोई औषधि निकाले और लक्ष्मण जी की मूर्छा को तुरंत शीघ्र से ठीक करें। हे तात, लंका के ही राक्षसों का उपचार करता हूँ और आप तो वैसे भी हमारे महाराज रावण के शत्रु हैं, फिर मैं बिना अपने राजा की आज्ञा के श्री लखनलाल जी का उपचार किस प्रकार कर सकता हूँ? हे बैद्य जी, आपका नाम बैद्य जी है और उनके लिए सभी समान होते हैं। उनके हृदय में कभी शत्रु और मित्रता जैसी बात ही नहीं आती है। आप बैद्य जी हैं इसलिए इनका उपचार करें। अभी तो हम आपसे प्रेम से बोल रहे हैं और यदि हम बंद और भालुओं को क्रोध आ गया तो आपकी जान के लाले भी पड़ सकते हैं। आप कह तो बिल्कुल सत्य रहे तो वह मुझे मार देगा। इसलिए हम पर विश्वास रखिए, हम सत्य बोल रहे हैं, हम आपके महाराज रावण को नहीं बतलाए। हे बेची, अब आप शीघ्र ही भैया, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ही चिंता हो रही है। हे प्रभु, तो अंतर्यामी है फिर भी मुझसे उपचार करने के लिए कह रहे हैं। हे दीन बंधु दीनानाथ, आपकी लीला ब्रह्म पार है, अब मैं इनका उपचार करता हूँ। कहा नाम गिरोशुधीर, हे वैद्य जी ये सही तो हो जाएंगे ना। लखनलाल जी के उस मायावी राक्षस ने ब्रह्म अस्त्र का प्रहार किया है जिससे इनको भारी मूर्छा आई हुई है। हे प्रभु, इसका तो केवल एक ही उपाय है कि अगर आपके इस समस्त बांदर भालुओं की सेना में कोई भी वीर ऐसा हो जो कि सूर्य उदय होने से पहले द्रोणाचल पर्वत पर जाकर शीघ्र ही लौट आए तो मैं इनके प्राणों को बचा सकूंगा, और अगर सूर्य उदय से पहले वह वीर नहीं लौट के आ पाएगा तो यह अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे। हे प्रभु, अब विलंब ना करके तुरंत ही किसी ना किसी वीर को मेरे पास में बुलवा दीजिए। हे तात हनुमान जी, बड़ी भरोसा है कि आप ही दौड़ा के पर्वत जाकर, आप में ही इतनी सामर्थ है कि वह संजीवनी बूटी ला सकते हैं। हे प्रभु, द्रोणाचल पर्वत पर जाइए, वहां आपको जो सबसे चमकती हुई बूटी दिखाई दे आप समझ जाना कि वही संजीवनी है। हे हनुमान जी महाराज, अब आप विलंब ना करके प्रभु का कार्य शीघ्र करवाइए। राम चरण सरस जय श्री राम, जय
जय शिव शंभो और हर शंभो। बजरंग सरकार, बहु युद्ध का क्या समाचार है? अरे सरकार, लोन हुआ यहां से, मैं क्या कहूं, सैकड़ों लाख छिट्टी मारे गए, सैकड़ों पंद्रह भाइयों को मार दिया, और सरकार आपके पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण में कर दिया और लक्ष्मण का काम तमाम हो गया। सरकार गजब तो ये हो गया कि वो हनुमान जैसे ही वहां कटक में लक्ष्मण को लेके गया, आपके भ्राता भीषण ने सुखैल वैद्य का नाम बता दिया, अब वो लंगड़िया बंदर संजीव। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपना काम करता हूँ। हनुमान नाम का बंदर संजीवनी लेने गया है, सुखैल वैद्य को उठा के ले गया। कोई बात नहीं, प्रातः होते होते वो छोटा तपस्वी अपने प्राणों को छोड़ देगा, मैं उस हनुमान का मार्ग अवरुद्ध करवाता हूँ। चलता हूँ, कालनेमी के पास चलता हूँ, वो माया से उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। जय शंभो। रावण कालनेमी देहया का समय है, जगाता हूं श्री चंद्र। भला मैं, अरे मैं
बेटा मेरा बाप भी उसका मार्ग नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता तो सारा खाना क्यों खाया, मदरा क्यों पी? तेरे बाप का माल था, आराम का माल था। अरे आपकी सेवा की इसलिए खाया? अब मेरी सेवा फिर कर, तू मेरा सेवक है, मेरा कहना मान। जा हनुमान का मार्ग अवरुद्ध कर, इसी में तेरी भलाई आए। जानता है कि नहीं राम दूत करे पर ये फल मल रखा। उत्तर देने में अनुचित है, हर तरफ मौत मेरी आई, इस तरफ गिरू तो है कुआ और उस तरफ गिरू तो है खाई। अरे मरना ही है तो रावण के हाथों मर कर बेकार मेरा। अरे राम दूत के हाथों से मर कर हो मेरा भार मेरा। रामर मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, मार्ग रोकता हूँ। तुमको बहुत सा पुरस्कार दूंगा, मैं कहूंगा जो देना होगा वो मांगोगे वही दूंगा। लंका का राजा राज्य तो किसका ना देवी महारानिया। अच्छा छोड़ दिया। अपने दुश्मन से जीती है, अब मैं अपने मार्ग का अवरुद्ध करता हूँ। उसको सफेद रसमले खिलाऊंगा। जय हो। ठीक है, अस कहीं चला रचित मेरी, तेरा वचन जाए नहीं खाली। ओ मेरी माया, जल्दी से सुंदर बगीचा बना दे, मुझे साधुओं के कपड़े भेज दे, एक कमंडल भी भेज दे। मारुति सुख देखा राम राम। ये तो कोई आश्रम दिखाई दे रहा है, मैं चलकर अपनी इसमें प्यास बुझाता हूँ। मेरी माया इसे मेरे पास बुला ला। राम राम राम, मुझे भात चोर की प्यास लग रही है। ओ बच्चे तुम बड़े अकल के कच्चे हो, मैं इस समय दिव्य दृष्टि से राम रामर का युद्ध देख रहा था, तुमने मेरा ध्यान भग्न कर दिया, कहो क्या बात है? बाबा मुझे भात चोर की प्यास लग रही है। बस इतनी सी बात? हाँ बाबा। ये ले कमंडल, जल्दी से पानी पी। इससे मुझसे क्या होगा, मुझको कोई सरोवर दिखलाओ। ओ लंबो तरा उदार उदर वाला है बच्चे, मेरे पीछे बहुत सुंदर आम का वृक्ष लगा है, उसके नीचे सरोवर है, तुम चले जाओ पेट भर के फल खाओ। अच्छा पानी पियो, फिर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना चेला बनाऊंगा, ये दिव्य दृष्टि प्रदान कर दूंगा, तुम घर बैठे सारे संसार को देख सकोगे। पहले जल्दी जाओ पानी पियो। सर पे धन गप मैं मकरे हूँ, ये कोई साधु नहीं, ये रामल का भेजा हुआ दूध काले भी है। अच्छा मांग रोकने आया है, आप इसका बंद करके अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। कहे कापी मोदी गुरु दक्षिणा। मैं पहले गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ओ बच्चे हम वो लोभी गुरु नहीं है, पहले दीक्षा देंगे, कान फूकेंगे, फिर दक्षिणा लेंगे। जल्दी आ। सुमारा
साक्षात आकाश मार्ग से जा रहा है। यदि इसमें यह पहाड़ तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। मैं इसे अपने बिना फल के बांटे यही गिराए देता हूँ। भक्त मालूम पड़ता है। हे कपि, आप सुनिए, मुझे प्रभु श्री रघुनाथ जी से अलग किया है, मुझे यह सारों दुख दिया है। हे कपि, आप उठिए, आप शीघ्र उठिए। सुने तो बचाने दात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरुमा तू जान की। निधान प्रभु जी रघुनाथ जी की कुशल कहिए। हे प्रभु, राम जी और रावण का घनघोर युद्ध चल रहा है। भैया लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई है। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ, इस कारण मैं यहाँ पर आ गया था। तात कह रो प्रभु, मुझको प्रातः काल होने से ही पहले वहाँ पर पहुँचना है। एक अभी आप इस विशाल पहाड़ को लेकर लंका में नहीं पहुँच पाएंगे। आप मेरे पहाड़ पर बैठ जाइए, मैं आपको अवश्य शीघ्र पहुँचाए देता। हे हनुमान, देखो इतना बयान तो मुझ में है और इतना बयान संजीवनी बूटी में है। हनुमान तुम जरा इनको मत भूलिए, ये राम जी के भाई हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। भरत बाहुबल शील बना प्रभुपद प्रीत अपार। प्रभु मुझको जाने की आज्ञा दीजिए। कपि मुरला बोलो तात, अरे कौन विधि रूठे से कर्म नाव में रिप उड़ावे, रिप चिंती उड़ जावे। भैया टूटी पावे धन काहे सो चढ़ाऊ में, ऐसे समय तात धोको मत देओ ब्राज। अरे ना ही तो कटारी बाज यही मर जाओ में। हे भैया उठो, मैंने तो माँ के कहने पर शाही पोशाक उतारी थी, इसलिए तो भाई बाप पर ही महलों को ठोकर मारी थी। भाई भी था रक्षक भी था, भाई बस यही भाई था। खाने को बल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। उठो भैया उठो, मैं किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा। माँ पूछेगी, अरे माँ पूछेगी लक्ष्मण है कहा, तो क्या कह कर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला बड़बड़ा उठेगी तब, जलमीन हीन व्याकुल होकर मैया तड़बड़ा उठेगी जब। कहां कौन सी थाए नाम वीर रसूल।
कीने पाई तुरत बैद तब कीने पाई उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई मैं तो गुणगान गाऊं भाई कुंभकर्ण आ रहा है इतना कपे ने सोन
मुदल पथेर भयो सुन सोरा
गोलेबाज पे गोले लगाइए। युद्ध प्रारंभ हो चुका है, गोले वाले को गोले लगाइए। Here we go.
प्याले पास बस भय खरारी हम सुनन तो एक अभिकारे अरे कहाँ है तुम्हारा बोल, कहाँ गए तुम्हारे सारे वीर, कहाँ है वो हनुमान अंगद नर नील दुमित, सारे कहाँ चले गए? अरे राम लक्ष्मण कहाँ गए, कहाँ है इनका बल? जामवंत के खल रहा उठारा अरे बुड्ढे आ जा, तुझको ही देखता हूँ अभी। अस कहे तरल त्रिशूल चलायो, राम बंत कर दल सोए दायो। मेघनाथ को लंका में रावण के पास फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने देखा जो परम परमात्मा है नारायण है, आज एक राक्षस ने उनको नागपाश में बांध लिया है। श्रीमन नारायण नारायण अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जिनके नाम के जपने से ही इस सारे संसार के सभी बंधन कट जाते हैं, आज वही प्रभु इन मायाओं के नागों से बंधे हुए पड़े हुए हैं। हे मेरे आराध्य, यह आपकी क्या लीला है? नारायण नारायण नारायण। हे गरुड़ जी, आप शीघ्र ही जाकर प्रभु को इन माया रूपी नागों से मुक्त कीजिए, जिससे कि इन दुष्ट राक्षसों का विनाश हो सके। हे तात, अब आप बिना विलंब किए प्रभु के पास में चले जाइए। नारायण नारायण। देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम सदयो We'll be right back.
इन्हे है प्रभु ने दर्श दिखाने को, मिली है रसना सना राम का गुणगाने को। बलशाली निकला जो इसने मुझे लंका में पटक दिया। अरे राम लक्ष्मण क्यों नहीं आते, आज दोनों का सर काट के पिताजी महाराज के चरणों में अर्पण कर दूंगा। अरे लक्ष्मण, अरे बाहर निकाल, कहाँ छुपा बैठा है, बैठा है अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है। आ बाहर निकल, आज तेरे सामने घननाथ खड़ा है। हे प्रभु, आप मुझे रावण के पुत्र मेघनाथ से युद्ध लड़ने की आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु संहार में उसका बचाए, शंभ भी आकर रखूंगा शीश उसका मैं आज आपके चरण में लाकर। ऐसा जान हे प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं रण संग्राम में आज मेघनाथ का विनाश ही करके लौट। और लक्ष्मण बाहर निकल, आज तेरे काल तेरे सामने खड़ा है। और लक्ष्मण युद्ध में क्यों नहीं आता। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। इंद्र जीत इस दुनिया में अब लखन जीत कहलाएगा। लंका पर रक्कुल की कमान इस कारण आकर भड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, मुनिमंडल के मुखमंडल के गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतंचा की पीड़ा अति शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से अति शीघ्र नहाएगी पृथ्वी। सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, रघुवंशी घर लौट जाओ, खुश है घननाथ तुम्हें छोड़ने में। अरे मेघनाथ पिछड़े में पाली जाती है, बकरी जो मैं करती है गर्दन अपनी कटवाती है। अरे जिधर उठाओ धनुष, जिधर उठाओ धनुष उधर मत जाए दुहाई, जिधर चला हो जाए सफाई। अरे धूल न दे रविचंद्र दिखाई, उसी तरह करूं आज घनघोर लड़ाई। अरे वीरों का बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं, धारा है यहाँ कृपाणों की मिष्ठानों का बाजार नहीं। अरे यह ताजा मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चवाने हैं। और कायर पामर मेघनाथ हम सूर वीर मर्दाने हैं। अब तक की करनी भूलो तुम, अरे अब तक की करनी भूलो तुम, मत व्यर्थ समय बर्बाद करो। है काल, अरे है काल तुम्हारे मस्तक पर अपने रक्षक को याद करो। अरे लंका वालों के भुजबल का किसी ने पाया है। एक छोटे छोटे बच्चों ने भारी उत्पात मचाया है। अरे खून बरसे हर तरह दीवार से, खून की नदियां बहेंगी कैश आज तलवार से। अरे लंका में यदि पीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, आओ मुझसे युद्ध करो
होती है बरसात बालों की। रण में बातें करने वाला, अरे रण में बातें करने वाला कायल डरपोक कहता है, रण में बातें वह करता है जो शस्त्रों से डर जाता है। अरे डरा तो क्या, डरा तो क्या रता कल भी उड़ा दूंगा मैं ठोकर से गगन में, अरे गगन में दूसरी दुनिया बसा दूंगा मैं भुजबल से। सही समय को उड़ा दूंगा जब से दबोड़ा ये भेद का। अरे रघुवंशी क्या बक 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 किए जाता है, क्या बाप ने युद्ध करना नहीं सिखाया? वह तो मैं तेरी सुन रहा हूँ, बक 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 करे जा रहा है, आप मुझसे युद्ध कर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।